इस वक्त मैं द्राश में हूँ और ठीक टाइगर हिल के सामने हूँ, और मेरे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे एक हीरो हैं जो कारगिल युद्ध के समय में हीरो हम कह सकते हैं, हमारा देश हीरो के तौर पे जानता है। ब्रिगेडियर ठाकुर हमारे साथ में हैं। सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिनों की, जो 25 साल पहले जिसको सोच कर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो हैं जो 527 वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं, हीरोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्किल झेली है, और आज हम उनको 25 साल पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो गई, और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उनसे मिलके, उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं, हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन मेरी यूनिट ने जो द्रास में जो दो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से थी, चाहे वो तोलोलिंग हो चाहे टाइगर हिल हो, उस पर विजय पताका फहराया है। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत भिन्न थी। तोलोलिंग की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उस हालात में तो ना तो दुश्मन के बारे में कोई खबर थी। एक सब मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, जो आप जहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई उसको आप पहले बताएं, उसके एक्सप्लेन करें कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे ऊंची चोटी अगर आपको दिख रही हो, 5140 है, जिसके बाद हम्प का इलाका आपको आता है, फ्लैट सा एरिया, और उसके बाद दो नुकीली चोटियां आपको दिखती हैं, ये तोलोलिंग और 4590 है, और ये नीचे के जो है द्रास की तरफ इस तरह से आता है। तो ये सबसे मुश्किल लड़ाई थी, जो कि सबसे नजदीक इस नेशनल हाईवे को बाधित किया हुआ था, और इस लड़ाई के लिए 24 दिन लग गए। और शुरू में बताया कि यहाँ पे 5 से 6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुजाहिदीन, और बाद में यहाँ पर कंपनी थी। और ये जो अगर मैं इधर आपकी नज़र ले जाऊँ, ये टाइगर हिल है, आप ये देखिए सबसे ऊंची चोटी जो पूरी द्रास को डोमिनेट कर सकती है। इसके ऊपर आर्टिलरी के ओपी थे जो कंटिन्यूसली द्रास के ऊपर फायर करते थे, और जो हमारी कॉन्वाइज थी लॉजिस्टिक की जो लेक जाती थी वो बाधित थी। तो इन दोनों चोटियों पर 18 कैनेडियंस को विजय पताका फहराने का एक मौका मिला, और जिसके लिए 34 जो रणबांकुरे हैं 18 ग्रेनेडियर्स को खोने पड़े। वैसे तो पूरी कारगिल लड़ाई में 527 योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सर, बत्रा टॉप की अगर बात करें, और खासतौर पे आप हिमाचल से हैं तो तमाम चीजों को भी समझेंगे, कई ऐसे योद्धा थे, चाहे हालांकि पूरा देश के तमाम योद्धा जो अलग अलग जो सेक्टर से जो संबंध रखते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन किस तरह से पूरा, चाहे बत्रा टॉप की बात करें या पूरे इस नेशनल हाईवे को किस तरह से काटने की एक तैयारी और साजिश जो है वो पाकिस्तानियों ने रची थी। वैसे तो आप जानते हैं लड़ाई मशको में और द्रास में और कारगिल में और बटालिक में लड़ी गई, लेकिन यहाँ पे जो चोटियां हैं वो बहुत नजदीक है नेशनल हाईवे के, तो सबसे पहले इस रोड को उन्होंने बाधित किया था, तो इसलिए ज़रूरी था कि ये जो यहाँ पे उन्होंने जो प्रेशर बिल्डअप किया है या जो इन्होंने रोड को कट ऑफ किया है उसको बहाल किया जाए। तो सबसे नज़दीक जो इंट्रूजन थी वो तोलोलिंग थी जी, तो सबसे पहले जो लड़ाई थी वो तोलोलिंग की थी, और जितनी भी ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर दुश्मन ने कब्जा किया था, क्योंकि सर्दियों में कुछ एक पोस्ट को हम छोड़ दिया करते थे, और इस तरह पूरी कारगिल में तकरीबन 125 किलोमीटर पर उन्होंने जो है इस तरह की इंट्रूजन की हुई थी। भारत दोस्ती का पैगाम लेकर पहुंचा था पाकिस्तान, लेकिन मिली वहां गद्दारी, मिला धोखेबाजी, उसको आप कैसे देखते हैं और आज के संदर्भ में इसको आप कैसे देखते हैं? अटल जी, देखिए वहां शांति वार्ता करने गए थे, अच्छी नीयत से करने गए थे। भारत कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा धोखा किया, और ये धोखा उन्होंने कारगिल में नहीं किया, हमेशा पीछे भी किया जाए, पीछे की जितनी भी आज़ादी के बाद लड़ाई है, और अभी भी आप देखिए जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, वो हमेशा धोखा देता रहेगा, और आपको पता है कि वहाँ का कंट्रोल जो है वह मिलिट्री के हाथ में है, वहाँ का जो कंट्रोल है आज। लेकिन भारतवर्ष इतना मजबूत है, सशक्त है, कि जिस तरह की इंट्रूजन है या इस तरह की अगर वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करना चाहेगा वो आज के समय में नहीं कर पाएगा। 25 साल पहले का जो इलाका था, तमाम स्थितियाँ थी, और आज 25 साल के बाद आप क्या देखते हैं? पूरे देश के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, कितने मजबूती से भारतीय जवान तैनात हैं? क्योंकि आज बॉर्डर्स पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आपके हेलीपैड्स बढ़े हैं, आपके जो आगे की वेपनरी में बहुत सुधार हुआ है, आपके सर्वेलेंस में बहुत सुधार हो गया है, आपके जो सर्वेलेंस के लिए आजकल ड्रोन्स आने शुरू हो गए हैं, आपका रिकॉनसेंस सिस्टम बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर उसमें वृद्धि हुई है, आजकल साइबर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आज बहुत सक्षम है भारत। और एक तरफ आत्मनिर्भर होने के लिए भी आपने देखा किस तरह से
जो डिफेंस का ज्यादातर जो वो क्या नाम उस झुकाव है वो है कि ताकि हम बाहर से ये ना मंगवाएं, हम अपने ही देश में आत्मनिर्भरता से इन हथियारों को पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आज उन तमाम कड़ियों को, उन तमाम घटनाओं को आज याद करने के बाद इनकी भी जो पुरानी जो कहानियां हैं वो तरोताजा हुई, और कहा जा सकता है कि एक तरह से वो तमाम कहानियां जो हैं वो ये युद्ध का वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर, जिसको टाइगर हिल्स के तौर पे हम लोग जानते हैं, और यहाँ से किस तरह से तमाम युद्ध को लड़ा गया और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया उसका ये इतिहास कहता है, जिसको हम लोग विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं।